नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीति तेज, आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। वर्धा में स्कूल के सामने से किया गया बच्ची का अपहरण, चलती गाड़ी में बच्ची पर हुआ अत्याचार। और कामठी में अतिक्रमण हटाने की स्थानीय नागरिकों ने की मांग, नगर परिषद में मुख्य अधिकारी को दिया गया निवेदन। अब खबरें विस्तार से। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी एमएलसी और बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, आरजेडी सांसद फैयाद अहमद, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और पूर्व विधायक अबू दुजाना के ठिकानों पर रेड पड़ी है। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी भी है। सूत्रों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी ने ये कार्रवाई नौकरी के बदले जमीन के मामले को लेकर की है। आज सुबह आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह के ठिकानों पर अचानक सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई है। सुनील कुमार सिंह की गिनती राजद के कद्दावर नेताओं में होती है और वो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी है। सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के नजदीकियों में भी गिने जाते हैं। सीबीआई ने ये रेड सुनील सिंह के राजधानी के जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास स्थित एक अपार्टमेंट में की है, जहां पर वो रहते हैं। सीबीआई की कार्रवाई की खबर सुनते ही सुनील कुमार के सैकड़ों समर्थक उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं और सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कामठी में नए मोक्षधाम का लोकार्पण समारोह 28 अगस्त को आयोजित किया गया है और इस मोक्षधाम का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और तेजराम जैन करेंगे। तो ये मोक्षधाम किसी विशेष समुदाय का नहीं है, बल्कि सभी समुदायों का है और सभी समुदाय यहाँ अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मोक्षधाम समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। कई वर्षों तक कामठी शहर का पुराना मोक्षधाम रानी तलाव मोक्षधाम था। अंतिम संस्कार करने के लिए शहर के पूरे समुदाय के नागरिक इस मोक्षधाम में आते थे। हालांकि शहर की बढ़ती आबादी के कारण एक बड़े मोक्षधाम की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर कामठी शहर को एक नया मोक्षधाम दिया गया है। कामठी में नए मोक्षधाम का लोकार्पण समारोह 28 अगस्त को आयोजित किया गया है और इस मोक्षधाम का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और तेजराम जैन करेंगे। इस दिवस पर जुलूस के माध्यम से शहर का भ्रमण करते हुए नए मोक्षधाम में महादेव की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मोक्षधाम समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि ये मोक्षधाम सभी समुदायों का है और सभी समुदाय इस मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लोकार्पण गंज के बालाजी से शोभा यात्रा निकलेंगी, वहाँ एक पूजा अर्चना करेंगे छोटी सी शंकर जी की। उसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए, क्योंकि सभी समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग है और सभी वर्गों को इसमें आना है, जितने भी बौद्ध सिख हिंदू जो भी धर्म के लोग हैं जो रानी तालाब में आते थे, वो सभी यहाँ उनको आना है। तो सभी मार्गों से गुजरते हुए और लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी रास्ते में इधर उधर सब उस चीज़ को शोभा यात्रा का स्वागत करने वाले हैं। तो यहाँ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचेंगी और फिर छोटी सी पूजा अर्चना होंगी और बाद में आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुले सावरकर साहब और तेजराज जी जैन बाबजी महाराज, इनके हाथों से वो लोकार्पण कार्यक्रम कराया जाएगा। कुछ भी नहीं है, हिंदू धर्म का ही है। हम लोगों ने उनको अभी आप लोगों को उसके रजिस्ट्रेशन की कापी दी है मोक्षधाम समिति के नाम से। ऐसा कोई तो भावना ही नहीं है किसी की कि वो नहीं आना चाहिए या यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो बोर्ड पर भी देख सकते हैं, मोक्षधाम समिति लिखा है, रजिस्ट्रेशन कापी में भी लिखा है। और ऐसी कोई भावना किसी के मन में कुछ है नहीं। अब वो कुछ आ गया हुआ गलतफहमी तो उसका हम खुलासा पत्र प्रसिद्ध में कर चुके हैं। हम तो ये आह्वान करेंगे कि क्या इस मोक्षधाम समिति ने इस जगह को 75 सालों से हरिशंकर जी गुप्ता पूरी कामठी में सभी लोगों के पास में गए कि आप ये मोक्षधाम बनाने के लिए मुझे सहयोग करो, मेरे साथ में आओ, लेकिन कोई आया नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समय समय पर गणपति संगेवार, इसके पहले ये यादव जी भोर ने कमेटी की स्थापना की थी 50-60 साल पहले। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। वर्धा जिले के पुरगांव कस्बे में एक बच्ची स्कूल जा रही थी, तब दो लोगों ने चाकू की नोक पर एक लड़की का अपहरण कर लिया और चलती कार में उसका यौन उत्पीड़न किया।
इस घटना से हड़कंप मच गया है। पुलगांव पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता रोज की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। स्कूल जाते समय सुमेध मेश्राम नाम के एक युवक और एक अज्ञात युवक ने उसे आवाज दिया। जब पीड़िता स्कूल के मुख्य द्वार के पास रुकी तो आरोपी सुमेध ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और जबरदस्ती चार पहिया वाहन में बिठा लिया। पीड़िता मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कार के शीशे बंद थे। सुमेध ने चलती गाड़ी में लड़की के साथ जबरदस्ती की, उस पर अत्याचार किया। पीड़िता की मां ने सुमेध और उसके एक दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने तक्रार दिली, 13 वर्षीय मुलीच्या आईने, की तिची मुलगी शाळेत जात असताना आरके शाळेजवळून पुलगाव येथून सुमेध राजहंस मेश्राम याने तिला धावत्या म्हणजे फोर व्हीलर गाडीत घेऊन गेला त्याच्या साथीदाराच्या सोबतीने आणि त्यानंतर तिच्यासोबत जबरदस्तीने धाकधाकून शारीरिक संबंध केले। अशा तक्रारीवरून कलम 376 IPC 504, 506 IPC आणि पोक्सो 4621 या कलमांमुळे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। आरोपी शोध सुरू आहे, लवकरच आरोपी अटक होईल। याबद्दल त्या अल्पवयीन मुलीचा अपहरण करून तिच्यासोबत बलात्कार केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी आणि त्यास मदत करणारा चारचाकी वाहनाचा चालक या दोन्ही आरोपींचा शोध सुरू आहे। नागपूर जिले के मौदा तालुका के सलवा रेलवे स्टेशन के पास एक मजदूर की चलती ट्रेन से नीचे गिरकर मौत हो गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आजाद हिंद एक्सप्रेस कलकत्ता से पुणे जा रही थी, जिसमें 14 मजदूर कलकत्ता से थे जो मजदूरी के लिए पुणे जा रहे थे। रविवार 21 तारीख को सूचना मिली कि एक मजदूर फिसल कर चलती ट्रेन के डिब्बे से गिर गया। जैसे ही उसके साथ मौजूद दोस्त को इस घटना की जानकारी हुई तो वो नागपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए और नागपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी और नागपुर स्टेशन ने ये जानकारी संबंधित विभाग को दी। पुलिस ने रविवार व सोमवार को दिन रात एक कर गिरे युवक की तलाश की। उस युवक का शव कल मंगलवार सुबह सलवा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मिला। मृतक का नाम सपन खुदुराम मलिक है, जिसकी उम्र करीब 34 साल है और वो झारखंड का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कामठी उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये लोग हावड़ावरून इकड़े पुण्याला जातात, हे लेबर लोक आहेत आणि हे लेबर लोक तिकडे कामाला जात असताना ते जनरल तिकीट काढून प्रवास करतात आणि ते आझाद हिंद गाडीला गर्दी होती। गर्दी असताना हे लोक बाथरूमला जात होता म्हणून त्याच्यासोबत जे लोक होते त्यांनी असं सांगितलं का बाथरूमला चालला होता आणि तेवढ्यात तो पडला असं गेटवरून, तर ते लोकांनी ते बाजूबाजू लोक त्यांनीच असं ओरडा केला, तर म्हणून हे त्याचे जे मित्र बाकी मधात बसलेले होते ते त्याला शोधायला आले। ते शोधायला आले तर तो दिसला नाही। मग हे लोक नागपूर स्टेशनला उतरून नागपूर स्टेशनला तिथे स्टेशन मास्टरशी भेटून त्यांनी सांगितलं। मग त्यांनी नंतर मेसेज कंट्रोल मेसेज केले। कंट्रोल मेसेज केल्यानंतर मग आम्हाला रात्री 1 वाजता मेमो मिळाला की बा असा समाज गाडीतून पडला। त्याच वेळेस आम्ही मग रात्री कनान सेक्शनमध्ये पायी पायी जाऊन तिकडे शोधलं त्याला, पण तो रात्री काही मिळून नाही आला। मग दुसऱ्या दिवशी परत कनान सेक्शनमध्ये शोधलं पण तरी पण मिळून नाही आला। मग परत मग त्याला आज सकाळी आणखी परत मग जाऊन आम्ही सालव्यापर्यंत तिकडे चाचेरपर्यंत जायचं ठरवलं आणि सकाळपासून मग आम्ही ते पायी पायी जत गेलो तिकडे आणि तिथं जाताना आम्हाला तो सालव्या स्टेशनजवळ मिळून आला आणि तिथे मग त्याचे पांचनामा कारवाई करून मग त्याला आम्ही आता हॉस्पिटलला आणून आता PM वगैरे करणार। त्याचं नाव आहे मलिक, तपन मलिक म्हणून नाव आहे त्याचं, सपन मलिक। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। कामठी में बजरंग पाग में अतिक्रमण को लेकर कामठी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कामठी नगर परिषद सीमा के अंतर्गत आने वाले बजरंग पार्क में एक व्यक्ति ने मांग की है कि स्थानीय निवासी सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करे। बजरंग पार्क में एक व्यक्ति ने 10 फुट की सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर सड़क की जगह कम कर दी है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाया जाए और सड़क को सुचारू बनाया जाए। इसी पृष्ठभूमि में स्थानीय नागरिकों द्वारा नगर परिषद में मुख्य कार्यकारी संदीप बोरकर को एक निवेदन दिया गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नागपुर के कलेक्टर को निवेदन दिया जाएगा। ये जगह मैं देख के आया हूँ, पंचनामा कर लिया हूँ, अभी मैंने केस तैयार करके साहब से ऑर्डर करा के तो नोटिस केलेला है। कंपाउंड वन पक्का बांधलेला है आणि रोड होता तो छोटा केला, तर त्याच्यामुळे मी 17 तारखेला इथे नगर परिषदमध्ये कंप्लीट दिली, पण यांनी काही कारवाई केली नाही। तर आता जर यांनी कारवाई केली नाही तर मग मी कलेक्टरपासून कलेक्टरपर्यंत जाईल। नवसाद जाफरी यांनी माझ्या घरासमोर कंपाउंड वॉल बांधलेला आहे। बजरंग पार्क में नवसाद जाफरी नामक व्यक्ति ने जो रोड था, रोड को जो 10 फीट का रोड था उसको 5 फीट का कर दिया गया। उसको इनकी कंप्लेंट थी, कंप्लेंट होने के बावजूद भी नगर परिषद के लोगों ने सुध नहीं लिया, लोगों ने वहाँ पर आके देखा नहीं। आज से 5 साल पहले तो ऐसा था कि एक तोड़ू दस्ता था नगर परिषद के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पे कोई भी जाता था तो उसके गमेले पहाड़ बढ़ा के लेकर आ जाता, काम बंद करा देते थे। यहाँ तक सूचना भी नहीं देते उसको बंद करने की, ऊपर से सेटलमेंट करके उसको ये कर देते थे। कामठी नगर परिषद में संदीप बोरकर जो सीओ आया है उसके समय से आज तक का आवक जावक रजिस्टर देखिए आप, उसके अंदर में कितने कंप्लेन रहे अतिक्रमण के। ऐसे कई रोड है जिन्होंने बंद कर दिया लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं, उसको तोड़े हुआ नहीं। कामठी नगर परिषद में रहने वाले लोग अतिक्रमण की चपेट में हैं, ऐसे बहुत से लोगों को टैक्स लगाकर वहाँ पर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। हमारी कामठी शहर वासियों से अगर से आने वाले समय पर बोरकर साहब अगर से हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय नगर परिषद में हम लोग जो बजरंग पार्क में जो जाफरी नामक व्यक्ति ने जो अतिक्रमण किया है नगर परिषद में एक सूचना देने के बारे में उन्होंने बताया 24 घंटे का हम एक सूचना पत्र देंगे, नहीं देने के बाद में जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर हम वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ पे एक पत्र देंगे। पत्र देने के बाद उन्होंने अगर 48 घंटे के अंदर नहीं किया वहाँ पर स्थान पर सभी लोग मोहल्ले के लोग जाकर और हम लोग सब उनके साथ में रहेंगे, वहाँ जाकर वहाँ पर आंदोलन करेंगे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अभी मानसून सक्रिय रहेगा, यही वजह है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसी बीच मौसम केंद्र मुंबई ने बुधवार को राज्य के अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, बुलडाना, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दूसरे स्थानों पर भी बारिश की संभावना है। वर्धा जिले के बाजार पोले के मौके पर सजे धजे नजर आ रहे हैं। छोटा नंदी इसमें खास आकर्षण बनता जा रहा है। बच्चों के बीच इस नंदी का विशेष आकर्षण है, लेकिन इस साल नंदी की कीमतें बढ़ गई है। नंदी बैले विकाले आणले पण या वर्षी महागाई मुळे माल पुरवडून नाही राहिला आणि लहान मुलांचा तो खेळ आहे नंदी बैलाचा पोळ्याचा, तर गिराईक येण्यासाठी खूप अडीअडचण जाऊन राहिलेली आहे। पण आता प्रमाण कमी असल्यामुळे कास्तकार नंदीच्या खेळीला आला, त्यामुळे गिराईक थोडी कमी येऊन राहिली।
नंदी बैल खूप कमी प्रमाणात होणार नाही, तर दर साल 50-60 नंदी बैल येतो. काय मागावं माझी इच्छा 300-400 रुपये मी कामाला जात असतो रोज मजुरीच्या. आता 1000-1200 नंदी कसा मी घेईल लेकराला? मला का 200 रुपये खूप झाले, कारण की मी 400 रुपयाला कामाला जात असतो आणि 150 रुपयाच्या बाजार करावं बा अशी माझी इच्छा होती. पण मी कसा काय आता नंदी घ्यावा लेकरासाठी? आनंद लेकराचा पोळा, लाट पोळा म्हणजे लेकराचा आनंद. तुझीसाठी माझी इच्छा अशी आहे की 200-250 रुपयाचा घ्यावं मी मागून पाहिला, पण 1000-1200 नंदी आहे. आता काय करावं शेतकरी लोकांनी? आता मी ह्या आत्मजुरीवाला व्यक्ती, मला असा विचार आला की आता लेकराला छोटासा ऊस पाहावे इकडे तिकडे आणि मी ते हवे घेऊन घ्यावे, नाही तर 5-50 रुपये लेकराला घेऊन द्यावे खुशीसाठी आणि घरीच राहावं मुलाला खुशी ठेवावं असं माझी इच्छा आहे. महागाई खूप वाढली, आता काय करावं आम्ही? तो वीकेबी न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़. नमस्कार.